हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासेस बाय लैब डॉक्टर। आज के क्लास में हम ये WBC हिस्टोग्राम के बारे में जानेंगे। जैसे ही मैंने RBC हिस्टोग्राम के बारे में भी एक सेपरेट वीडियो बनाया है। हिस्टोग्राम्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। एक ग्राफिकल ये हमको बताते हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, कैसे कैसे सेल्स हो सकते हैं, कितने सेल्स हो सकते हैं। ये न्यूमेरिकल वैल्यू का ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन होते हैं। दिस इज दी आरबीसी हिस्टोग्राम। जब हमने देखा था लास्ट वीडियोस में भी, तो यहाँ पे प्लेटलेट्स रहेंगे एंड दिस इज द आरबीसी, एंड ये है WBC हिस्टोग्राम। सो लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल, यूसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स। जब भी हम WBC को एनालाइज करते हैं तो हम RBCs को लाइज करना पड़ेगा, उनको निकालना पड़ेगा, क्योंकि उनका नंबर काफी ज्यादा रहेगा। तो जब हम लाइसिक फ्लूइड डालते हैं तो वो लाइसिस करता है। सो ये जब भी लाइसिस करता है, थोड़े चेंजेस होते हैं WBC में भी। WBC श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो ये देखिए, बिफोर एडिंग द लाइसिंग एजेंट, ये सेल डायामीटर है इन माइक्रोमीटर। तो आप देखोगे कि न्यूट्रोफिल is around 10 to 15, monocytes is around 12 to 20, but after adding the lytic agent, ये सेल डायमीटर जो है थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। तो इन फेमटोलीटर, तो न्यूट्रोफिल्स आर 120 to 250 फेमटोलीटर्स एंड लिम्फोसाइट्स आर स्मॉलेस्ट, दैट इज 30 to 80 फेमटोलीटर्स। सो व्हेन यू सी अ हिस्टोग्राम, द सेल्स विल बी शोन इन द हिस्टोग्राम अकॉर्डिंग टू द साइजेस। जो सबसे छोटा रहेगा वो है लिम्फो एंड जो सबसे बड़ा रहेगा वो है न्यूट्रोफिल। सो इस हिसाब से WBC हिस्टोग्राम में डिस्ट्रीब्यूशन दिखता रहता है। सो ये जो WBC हिस्टोग्राम है, देर आर टू डिस्क्रिमिनेटर, जैसे RBC हिस्टोग्राम में भी था। वन इज लोअर एंड वन इज अपर। सो ये जो लोअर है, ये फ्लक्चुएट होते रहता है बिटवीन 30 टू 60 फेमटोलीटर, बट ये जो अपर डिस्क्रिमिनेटर है ये फिक्स्ड रहता है एट 300 फेमटोलीटर्स। सो जो WBC हिस्टोग्राम है, इसमें दो ट्रफ्स भी रहते हैं जो RBC में नहीं था। इसमें ये स्पेशल है, ये T1 एंड T2, ये है दो ट्रफ्स, ये लोअर डिटेक्टर, ये अपर डिटेक्टर। सो ये T1 जो है एट अराउंड 80 टू 114 फेमटोलीटर्स पे रहेगा एंड ये T2 जो है एट अराउंड 150 फेमटोलीटर्स पे रहेगा। सो ये जो पीक है बिटवीन द लोअर डिस्क्रिमिनेटर एंड T1, दिस represents the small cells, that is the lymphocytes. So ये आपको याद रखना है, लोअर डिस्क्रिमिनेटर और T1 के बीच में जो पीक आएगा, दैट इज द लिम्फोसाइट, विच इज द स्मॉलेस्ट सेल नाउ, एंड द ट्रफ बिटवीन T1 एंड T2 में जो भी स्पेस आएगा, दैट पीक विल बी आइदर यूसिनोफिल हो सकता है, या मोनोसाइट हो सकता है, या बेसोफिल्स हो सकते हैं, या ब्लास्ट सेल्स, प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट या मेटामाइलोसाइट। सो ऑल दिस कैन कम। अगर इसनोफिलिया होगा तो भी यहाँ पे पीक आ सकता है, मोनोसाइटोसिस हो सकता है तो तभी भी यहाँ पे पीक आ सकता है, कोई ब्लास्ट है, एबनॉर्मल सेल्स है, तो ये T1 एंड T2 के बीच में पीक आ सकता है। सो दिस पॉपुलेशन विल बी बिटवीन T1 एंड T2, एंड आफ्टर T2 और द पीक बिटवीन T2 एंड अपर डिस्क्रिमिनेटर विल बी द लार्जेस्ट सेल, दैट इज द न्यूट्रोफिल्स। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सो दिस विल बी लिम्फोसाइट्स सबसे छोटे, उसके बाद में मोनोस, बेसोस एंड यूसिनोफिल ऑल विल कम अंडर दिस ग्रुप, एंड लास्ट विल बी ये जो पीक है, दैट विल बी न्यूट्रोफिल। सो व्हेनेवर आप ये WBC हिस्टोग्राम को देखोगे, सो दीज थिंग्स यू शुड जस्ट रिमेंबर। सो देर इज एन एक्स एक्सिस, देर इज ए वाई एक्सिस, there is a lower discriminator, there is an upper discriminator. LD and T1, this is the lymphocyte. T1 and T2, monocyte, basophil, eosinophil, abnormal cells also. And after T2 and UD, this is the neutrophil. So this is population 3, this is population 2, this is population 1. Yeah, fraction 1, fraction 2 and fraction 3. I have already told you that you have to remember, ye जो भी आपका WBC हिस्टोग्राम है, दिस हैज टू स्टार्ट
एंड दिस हैज टू एंड एट द बेसलाइन। स्टार्ट भी बेसलाइन से होना है एंड ये कर्व को एंड भी बेसलाइन पे ही होना है। सेकेंड पॉइंट इज दिस कर्व हैज टू बी बिटवीन द डिस्क्रिमिनेटर। सो ये डिस्क्रिमिनेटर्स के आगे या पीछे नहीं हो सकता है। सो दिस हैज टू बी विद इन, ये इनके बीच में ही रहना चाहिए एंड ये बेसलाइन से स्टार्ट एंड बेसलाइन से एंड होना चाहिए। जो WBC चैनल रहेगा अपने इंस्ट्रूमेंट में, अपने हेमेटोलॉजी एनालाइजर में, दैट विल शो ओनली WBC एंड प्लेटलेट्स। RBCs नहीं रहेंगे, RBCs विल बी लाइस्ड, उनको ब्रेक कर दिया जाएगा। सो जो प्लेटलेट रहेगा उनका वॉल्यूम बहुत ही कम है, अराउंड 8-12 एम्टोलीटर है। सो ये लोअर डिस्क्रिमिनेटर जो है रहता है, ये सेपरेट करता है ये WBCs को प्लेटलेट से, ठीक है। सो प्लेटलेट को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, प्लेटलेट यहाँ पे आएगा। इफ यू सी अ पीक बिटवीन ये लोअर डिस्क्रिमिनेटर एंड T1, वो है लिम्फोसाइटोसिस। लिम्फोसाइट्स बढ़ गए हैं तो दिस इज लिम्फोसाइटोसिस, एंड यहाँ पे लिम्फोसाइट ज्यादा हो गए हैं तो ये जो न्यूट्रोफिल्स थे, ये जो नॉर्मल न्यूट्रोफिल का कर्व था, ये कम हो गया है। सो रिलेटिवली देर इज न्यूट्रो पीनिया। प्रोमिनेंट पीक यहाँ पे दिखेगा आपको बिटवीन T2 एंड अपर डिस्क्रिमिनेटर, वो है न्यूट्रोफिल। सो नॉर्मली ये न्यूट्रोफिल ऐसा रहेगा, तो यहाँ पे न्यूट्रोफिल बढ़ गया है तो दिस इज न्यूट्रोफिलिया। एंड बिकॉज ऑफ न्यूट्रोफिलिया देर इज रिलेटिव, ये जो लिम्फोसाइट्स इतने होने थे ये कम हो गए, इनका काउंट ज्यादा हो जाएगा, तो ये है रिलेटिव लिम्फोपीनिया। अभी हम थोड़े फ्लैग्स को देखेंगे जो WBC हिस्टोग्राम्स में आ सकते हैं, एंड वी हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस। ये हमको एक चेतावनी देता है कि कुछ तो देर इज अ प्रॉब्लम एंड वी माइट हैव टू सी द स्मियर, वी माइट हैव टू इवेलुएट द पेरिफेरल स्मियर काउंट के साथ, या नया स्पेसिमन लेके फिर से उसको एनालाइज करना पड़ेगा। तो फ्लैग जो है ये अलर्ट करता है। फर्स्ट फ्लैग इज द LD फ्लैग और the lower discriminator flag, या जो WBC lower discriminator flag है। So I have told you that this जो भी ये जो graph है, it has to start from the baseline and it has to end at the baseline. But here you can see at the lower discriminator, the graph has not started in the baseline, पर थोड़ा ऊपर से start हुआ है। So what can be the causes? One is I have told you कि यहाँ पे there will be platelets. But the platelets are very small, so this is not included in WBC histogram. But अगर platelets बहुत बड़े हैं, या तो अगर वो clumps हो गए हैं, तो ये भी यहाँ पे count हो सकते हैं, and ये जो curve है, that can be above the baseline. So in case of nucleated RBC या cryoglobulins and all also, this baseline, it can raise from the baseline. So these are the causes of WL flag. Next is the upper discriminator flag, या WBC upper discriminator flag. So here जो curve यहाँ पे baseline में touch करना है, it is not touching, ये ऊपर ही इधर पहुंच गया है. So what can be the causes? अगर यहाँ पे सिवियर न्यूट्रोफिलिया है, न्यूट्रोफिल्स बहुत ही ज्यादा है, तो ये कर्व ऊपर उठ सकता है. या तो WBCs अगर बहुत एग्रीगेट हो गए हैं, क्लम्प्स हो गए हैं, तो देन ऑल्सो देट कैन राइज अबाउट फ्रॉम द बेसलाइन. तभी हमको प्री डाइल्यूशन करके सैंपल को रन करना पड़ेगा अगर करेक्ट रिजल्ट्स चाहिए तो. नेक्स्ट वन इज द T1 flag. So T1 flag है जो this is the normal आपका जो graph है ये है. तो ये जो graph है ये ऐसे उठ के यहाँ पे T1 पे एक peak आया है and then it is coming. So अगर यहाँ पे एक peak आता है T1 पे, तो it could be, मैंने बोला है इन दोनों के बीच में ब्लास्ट सेल्स आ सकते हैं, ईसनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, ये सभी आ सकते हैं. सो अगर यहाँ पे आपको T1 पे एक ऐसे पीक दिखता है, वो कुछ भी हो सकता है, ब्लास्ट सेल हो सकता है, ईसनोफिल हो सकता है, बेसोफिल हो सकता है, एबनॉर्मल लिम्फोसाइट हो सकता है. तो अगर हमको ये T1 पे फ्लैग दिखता है, वी विल हैव टू रिव्यू द स्मियर. हमको स्मियर देखना पड़ेगा कि क्या है एक्चुअली उधर.
वैसे ही आप इधर देखिए कि ये जो WBC में जब हम प्रिंट आउट निकालेंगे, जो T1 फ्लैग है ऐसे दिखेगा, तो आपको एक प्लेटू दिखेगा ये T1 के ऊपर। एंड जब भी आप पेरिफेरल स्मियर में देखोगे तो ऐसे एबनॉर्मल सेल्स भी आप देख सकते हो। सो लाइक सिमिलरली यू विल सी T2 फ्लैग, ये जो T2 एरिया पे है, सी दिस इज द नॉर्मल कर्व। तो यहाँ पे ये कर्व कैसे हो गया है, लिम्फोसाइट्स इधर ही है, एक पीक आ गया है बिटवीन T2 एंड यहाँ पे फिर से नीचे आ गया। सो ये T2 जो भी है, ये भी सेम फीचर से हो सकता है, इसिनोफिलिया से हो सकता है, इमेच्योर ग्रैनुलोसाइट से हो सकता है, ब्लास्ट सेल्स के वजह से हो सकता है। सो हियर ऑल्सो हमको पेरिफेरल स्मियर देखना पड़ेगा। विदाउट सीइंग द पेरिफेरल स्मियर हम ये WBC को ऐसे ही रिपोर्ट नहीं दे सकते। कुछ तो यहाँ पे फ्लैग आया है T2, मींस देयर इज सम एबनॉर्मैलिटी। सो नाउ आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर 3 फ्रैक्शन, F1, F2 एंड F3। सो व्हाट हैपेंस इज, आप देखिए ये जो नॉर्मल है कर्व एंड हियर ये जो रेड वाला ग्राफ है, ये बेसलाइन से बहुत ही ऊपर है। सो दिस T1 इज वेरी मच हाई, हियर ऑल्सो T2 इज वेरी मच हाई। यहाँ पे देखिए कितना डिस्टेंस कम है, बट ये कितना ऊपर चढ़ गया है। सो दिस आर द F1, F2 एंड F3 फ्लैग्स। सो दिस ये जो बेसलाइन से जो बहुत ही ऊपर है, तो हमको ये क्लियरली सेपरेशन नहीं दिखाता है, ये मिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ सेल्स भी हो सकते हैं। सो दिस फ्लैग्स आर कॉल्ड एज F1 फ्रैक्शन फ्लैग, F2 एंड F3। तो हमको क्या करना चाहिए, ऐसे फ्लैग्स आए तो हमको मैनुअल डिफ्रेंसिएशन करना चाहिए कि कौन सा सेल क्या है। सो ये हमको एक इंडिकेशन देता है कि देर mixed population of cells. Here also there is no proper differentiation. So we will have to do manual DC in such cases. So, ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया है कि इसको बेसलाइन से स्टार्ट करना था, इसको यहाँ से स्टार्ट करना था, बट ये ऊपर से ही स्टार्ट कर दिया है। सो यहाँ पे ये है प्लेटलेट एग्रीगेशन हो सकता है या न्यूक्लिएटेड RBC सोखता है, तो इसको बोलते हैं AG फ्लैग, दैट इज एग्रीगेटर फ्लैग, एग्रीगेशन। सो यहाँ पे देखिए ये है लिम्फोसाइट्स का जो ये था, जो स्टार्ट होना था इसको, तो ये यहाँ से ऊपर से ये चला गया है। सो दिस इज द AG फ्लैग। सो हियर यू सी देर इज हुकवर्म इन्फेस्टेशन। सो जब भी हुकवर्म इन्फेस्टेशन होता है तो यूसिनोफिल्स विल बी हाई। तो जब भी यूसिनोफिल्स आएंगे तो कौन सा एरिया में पीक आएगा, दिस एरिया। सो दिस इज लिम्फोसाइट्स, दिस इज यूसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट एक्सेट्रा एंड दिस इज न्यूट्रोफिल। सो यहाँ पे अगर पीक आता है तो इट कुड बी एनीथिंग, बट हियर इन दिस वी एक्सपेक्ट दैट इधर पीक आए, तो दिस इज यूसिनोफिलिया। सो दिस इज, इफ यू सी हियर, दिस आर ऑल स्मॉल लिम्फोसाइट्स, क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। तो हम इधर कहाँ पे पीक एक्सपेक्ट करेंगे, तो ये है यहाँ पे देखिए, ये है लिम्फोसाइट का, ये है मोनोसाइट, बेसोफिल, यूसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल। सो इस ग्राफ में ये लिम्फोसाइट का पॉपुलेशन काफी बढ़ गया है। सो दिस कुड बी अ केस ऑफ CLL। सो नाउ यहाँ पे देखिए मैंने बोला था AG जो फ्लैग था, जो ये ऊपर से उठ गया है एंड इट इज कमिंग हियर। सो अगर ऐसे होता है तो दिस इज एग्रीगेटर। सो प्लेटलेट्स एग्रीगेट हो गए हैं, तो इसके वजह से ये बेसलाइन पे नहीं दिखा रहा है। सो दिस इज मोनोसाइटोसिस, मतलब ये जो है सेल्स, तो ये जो T1 एंड T2 के बीच में जो पॉपुलेशन में एक पीक आया है, ये कुछ भी हो सकता है, बट हियर बिकॉज द मोनोसाइट्स आर अराउंड 35%, तो यहाँ पे एक पीक दिख रहा है। तो यहाँ पे इसनोफिल्स आर अराउंड 47%, सो इन बिटवीन T1 एंड T2 हमको ये पीक दिख रहा है। सो इन क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, तो ये क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया क्या है, तो सीवियर न्यूट्रोफिलिया रहता है, बहुत न्यूट्रोफिल्स रहते हैं। सो ये जो बेस कर्व था, इसको जो नीचे आना था, ये नीचे ही नहीं आया, ये ऊपर ही रह गया, कर्व डज नॉट टच द बेस लाइन। सो ये आपको WBC अपर डिस्क्रिमिनेटर फ्लैग भी आ सकते हैं, एंड इमेच्योर सेल्स भी रहेंगे इधर काफी सारे। सो हियर ऑल्सो बिटवीन T1 एंड T2 ऑल्सो यू विल गेट अ पीक। दिस इज अ केस ऑफ बीटा थैलेसीमिया मेजर, वेर इन यू विल सी माइक्रोसाइटिक सेल्स, टारगेट सेल्स एंड न्यूक्लिएटेड RBC। बिकॉज दिस आर न्यूक्लिएटेड RBCs, दिस कैन ऑल्सो बी काउंटेड एज स्मॉल सेल्स। सो ये जो WL कर्व इधर आ जाएगा, बेसलाइन से स्टार्ट ही नहीं होगा, ऊपर से स्टार्ट हो जाएगा।
सो दिस विल बी अ केस ऑफ AML M5। तो यहाँ पे ब्लास्ट है, सो आपका लिम्फोसाइट, इसनोफिल्स, मोनोसाइट, बेसोफिल्स, इमेच्योर सेल, सो यहाँ पे पीक आ गया। सो यू विल सी अ पीक लाइक दिस। यहाँ पे पीक देखते हो तो ये स्मियर को हमको रिव्यू करना चाहिए। WBC हिस्टोग्राम है, ये काफी सारे चीजों को हमको अलर्ट कर सकता है। इट इज जस्ट दैट वी हैव टू गेट यूज टू, देख के हमको एक प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि कुछ एबनॉर्मेलिटी है या नहीं, नॉर्मल कैसा दिखता है, लिम्फोसाइट्स कहाँ पे रहते हैं, न्यूट्रोफिल्स कहाँ पे रहते हैं, अगर सेल्स में ब्लास्ट आ गया या कोई एबनॉर्मल सेल्स आ गया तो वो कहाँ पे रहेंगे, ये फ्लैग्स अगर अलर्ट आते हैं तो इसका मतलब क्या है। सो जैसे आप इस मेयर्स को देखोगे, जैसे यू विल कीप सीइंग द हिस्टोग्राम्स, आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू पिकअप वेरी क्विकली। सो एक ये बेसिक आइडिया आपको देना था कि WBC हिस्टोग्राम कैसे दिखता है, उसमें क्या फ्लैग्स रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे रहते हैं, अगर ऐसे फ्लैग्स आए तो आपको क्या करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।